नमस्कार दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति जिले के काजा में गो ईगो नेटवर्किंग कंपनी द्वारा बनाए गए इस इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन 23 सितंबर को किया गया। काजा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM महेंद्र प्रताप सिंह, तस्वीर में देखिए यही हैं, ने कहा कि यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कारों एवं दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के 30% की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को किस देश में चुना गया है? विच कंट्री हैज इलेक्टेड यूरोप्स फर्स्ट पार्लियामेंट विद अ मेजोरिटी ऑफ वुमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। यह उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री कैटरीना जेम्स डाटिर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार ने 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है। पहली बार आइसलैंड की संसद में पुरुष सांसदों की तुलना में महिला सांसदें ज़्यादा होंगी। महिला सांसदों की संख्या यहाँ पर 33 है जबकि पुरुषों की 30। थोड़ा सा मैप को देखिए आप, ये यूरोप देखेंगे, नॉर्थ यूरोप, तो यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, यहाँ पर नॉर्वे है, इधर यूके है और यहीं बीच में है आइसलैंड। इसके आसपास वाटर बॉडीज़ को मैप में अच्छे से देख लीजिएगा। 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 F1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? Who has become the first Formula 1 F1 driver to win 100 races? The right answer is option number B, Lewis Hamilton. British racing driver Lewis Hamilton, वर्तमान में ये Mercedes टीम की ओर से Formula 1 में हिस्सा लेते हैं, ने 26 सितंबर को रूसी ग्रैंड पिक्स 2021 F1 रेस जीत ली और इसी के साथ इसने सेंचुरी भी पूरी कर ली। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः मैक्स वेस्टापेन और कार्लोज सेंस रहे। 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने रेस लीडर लैंडो नॉरिस को पछाड़ दिया, जिसके जीतने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही थी। हैमिल्टन के पास पहले से ही सबसे अधिक F1 जीतने का रिकॉर्ड था। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विवेक राम चौधरी। ये 27वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल VR चौधरी 29 सितंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की युद्धक शाखा में शामिल हुए थे। ये NDA के छात्र रह चुके हैं। HIF पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी किस राज्य सरकार द्वारा की जा रही है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज होस्टिंग द HIF मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। हॉकी का नाम हो और उड़ीसा का नाम नहीं हो, हो ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक भुवनेश्वर में आयोजित किए जाने वाले इस विश्व कप की मेजबानी की घोषणा की। हॉकी इंडिया ने राज्य सरकार से 2 महीने में होने वाले पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए समर्थन देने के लिए संपर्क किया था, जिसमें ये राजी हो गए। भारतीय जूनियर हॉकी विश्व कप का डिफेंडिंग चैंपियन है। ध्यान रखिएगा, पिछली बार 2016 में इसका आयोजन भारत के लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रतियोगिता के फाइनल मैच में इन्होंने बेल्जियम को 2-1 से हराया था। इस बार जूनियर विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों, 67वीं BPSC प्रीलिम्स पहले 12 दिसंबर को होना था, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और आखिरी चरण है 12 दिसंबर को, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आयोग ने हाल ही में
एक अधिसूचना भी जारी की है कि ये परीक्षा दिसंबर के उत्तरार्ध यानी 15 दिसंबर के बाद, तो 15 दिसंबर के बाद दो ही रविवार है, 19 दिसंबर या 26 दिसंबर, तो दोनों में से किसी भी डेट में ये एग्जाम होगा। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से कब तक का स्टडी करना है, करंट अफेयर्स स्टडी करना है नवंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो साल भर के करंट अफेयर्स यानी नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को संपूर्ण तरीके से आप केवल 16 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का एमसीक्यूज। तो 54 पीडीएफ मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा, साथ में ओलंपिक का भी पीडीएफ मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5.5 घंटे में पूरी तरह से ये रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में, ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का 13 पीडीएफ मिलेगा, 25 मिनट का समय एक पीडीएफ में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ 15 पीडीएफ मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन अकेडमी के पीडीएफ से, 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर पीडीएफ से 66वीं बीपीएससी में टैली हो चुके हैं, 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर दिया गया है, पेटीएम फ़ोनपे या यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नंबर है 7366000556। गूगल पे पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर सेम नंबर है 7366000556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे यह नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन इन T20 फॉर्मेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की टीम है, इसके कप्तान विराट कोहली ने 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जारी मैच में इतिहास रच दिया। विश्व क्रिकेट में कोहली ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने भारत में पहले। इससे पहले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और किरण पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर यह कारनामा कर चुके हैं। भारत की तरफ से कोहली के बाद T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। किस राज्य में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? निर्भया एक पहल प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर मिशन शक्ति फेज 3 इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति के 3rd चरण की शुरुआत की। सीएम ने निर्भया एक पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये 3 लक्ष्य है मिशन शक्ति का। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है नीमाबेन भवेश भाई आचार्य, यही है। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष का पद 16 सितंबर को राजेंद्र त्रिवेदी के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गया था। वे सीएम भूपेंद्र पटेल के नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। त्रिवेदी गुजरात राज्य सरकार में विधायी और संसदीय मामलों के साथ साथ राजस्व विभागों के भी प्रभारी हैं। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य भुज से भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और 4 बार विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं। गुजरात
राज्य का गठन 1960 में हुआ था और उसके बाद ये पहली वुमेन स्पीकर बनी है। किस राज्य सरकार ने 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ यूनिक पेंशन स्कीम नेम्ड प्राणवायु देवता फॉर ट्रीज अबव 75 ईयर्स ऑफ एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन में बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुरूप हर वर्ष वृद्धि होगी। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए हर गांव में पंचवटी नाम से पौधारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में एक वर्ष में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में 10% पर पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसका नाम होगा ऑक्सी 1। किस संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष रैंक हासिल किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड द ओवरऑल कैटेगरी इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 9 सितंबर को NIRF रैंकिंग कुल 11 कैटेगरी में जारी की गई। IIT मद्रास को ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में नंबर 1 स्थान दिया गया है। IIT मद्रास ने लगातार 3रे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और तीसरे पर IIT बॉम्बे। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देखेंगे तो IISc बेंगलुरु इस वर्ष भी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहा है JNU। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद नंबर 1 है। फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को स्थान दिया गया है पहले नंबर पे। शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग देने की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने गरीबी समाप्त करने, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और सभी के लिए शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान हेतु SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द SDG प्रोग्रेस अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर इट्स यूनिवर्सल कॉल फॉर एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट अर्थ इकोसिस्टम्स एंड इंश्योर पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। 2015 और 2020 के बीच SDG स्कोर में सबसे बड़ी वृद्धि के लिए बांग्लादेश की PM शेख हसीना को दिया गया यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे इनके प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। प्रमुख अर्थशास्त्री एवं विकास रणनीतिकार प्रोफेसर जेफरी डी सैच के नेतृत्व में सतत विकास समाधान नेटवर्क की स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में की गई थी। किस विश्वविद्यालय ने उड़ान क्षमता योग्य एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप या माइक्रोफ्लियर का निर्माण किया है जो अब तक की सबसे ऊंची मानव निर्मित उड़ान संरचना है? विच यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड एन इलेक्ट्रिक माइक्रोचिप और माइक्रोफ्लियर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग द स्मॉलेस्ट मैन मेड फ्लाइट स्ट्रक्चर एवर बिल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका की है। इसके द्वारा विकसित यह संरचना एक रेत के दाने के आकार का है। देखिए उंगली में कितना छोटा है, इसको बड़ा करके इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें कोई मोटर या इंजन नहीं है। यह मेपल के पेड़ के प्रोपेलर बीज की तरह हवा के माध्यम से उड़ान भरता है और हवा के ही माध्यम से एक हेलीकॉप्टर की तरह घूमता है। इंजीनियरों ने मेपल के पेड़ों और अन्य प्रकार के हवा में बिखरे हुए बीजों का अध्ययन करके इसका डिजाइन किया है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि जब यह ऊंचाई से गिराया जाए तो नियंत्रित तरीके से धीमी गति से गिरेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए सिप्स एक्सेलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ सिप्स एक्सेलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 फॉर बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM। GEM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों, संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। यह प्रोक्योरमेंट यानी खरीद कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बाद GEM इस वर्ग में विजेता बनकर उभरी है। GEM का चयन दो अन्य वर्गों अर्थात
पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर तथा बेस्ट इनिशिएटिव टू बिल्ड अ डाइवर्स सप्लाई बेस में भी फाइनलिस्ट के रूप में किया गया था। इसका आयोजन लंदन के चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई यानी सिप्स के तत्वावधान में किया जाता है। यह संस्था 150 देशों में एक समुदाय के साथ प्रोक्योरमेंट तथा आपूर्ति प्रबंधन में अच्छे प्रचलनों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित एवं वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। किस राज्य की जुडिमा वाइन राइस भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। विच स्टेट्स जुडिमा वाइन राइस हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल वाइन इन द नॉर्थ ईस्ट टू रिसीव अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और GI टैग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। तस्वीर में देखिए इस तरह से ये इसकी ब्रांडिंग की जाती है। असम जुडिमा की डिमासा जनजाति द्वारा चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस जो कि बोरा नामक चिपचिपा चावल से निर्मित शराब है जिसमें उबले हुए और पारंपरिक जड़ी बूटियों को मिश्रित किया जाता है जिसे थेम्ब्रा कहा जाता है। यह GI टैग प्राप्त करने वाला कर्बी ओंगलोंग और डीमा हसाओं के पहाड़ी जिलों का दूसरा उत्पाद है। GI टैग से संबंधित बहुत प्रश्न है, आइए तीन और प्रश्नों को देखते हैं। GI टैग से संबंधित किस राज्य की सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का दर्जा मिला है। विच स्टेट्स सोजत मेहंदी हैज गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और GI टैग स्टेटस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले में स्थित सोजत की मेहंदी अपनी रंगत और खुशबू के लिए पहचानी जाती है। दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राजस्थान में बीकानेरी भुजिया, बगरू प्रिंट, सांगेनेरी प्रिंट जैसे 15 उत्पादों को पहले ही GI टैग मिल चुका है। किस राज्य के मीठा खीरे को GI टैग से कृषि उत्पाद के रूप में माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत सम्मानित किया गया है। विच स्टेट्स स्वीट ककम्बर हैज़ बीन अवार्डेड द GI टैग एज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए पहचानी जाती है। तस्वीर में देखिए यह पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें कम कैलोरी होती है। खीरा इस राज्य से राज्य का पहला उत्पाद नहीं है जिसे GI टैग मिला है। पेयर टमाटर, टैमारिल्लो और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च के दोनों क्षेत्रीय उत्पादों को भी GI टैग दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नागालैंड में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। GI टैग से संबंधित अंतिम प्रश्न को देखिए, किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया है। विच स्टेट्स एक्सटेंसिवली ग्रोन हाथी चिली एंड तामेंगलोंग ऑरेंजेज हैव बीन गिवन GI टैग। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। इस देशी मिर्च की किस्म की खेती झूम प्रणाली के तहत ढलानों पर की जाती है। मणिपुर में हाथी मिर्च उखरुल जिले के सिरारा खोंग गांव में बड़े सुदूर तंगखुल नागा के आसपास महादेव पहाड़ियों में ही पनपती है। यह विशेष रूप से अपनी अच्छी तरह से मिश्रित मिठास और अम्लीय स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर प्रत्येक फल में 10 से 14 फली होती है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा है कि स्थानीय बोली में हथी मिर्च या उमरू को भगवान का उपहार और उखरुल का गौरव माना जाता है। दूसरा उत्पाद तामेंगलोंग नारंगी मैड्रिन समूह की एक प्रजाति है जो केवल तामेंगलोंग जिले में पाई जाने वाली एक अनूठी फल फसल है जो राज्य के वार्षिक उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान करती है। तामेंगलोंग ऑरेंज को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर पिछले 15 वर्षों से हर दिसंबर में ऑरेंज फेस्टिवल मना रहा है। वानसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड वानसोंग 8। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने 28 सितंबर को अपनी पूर्वी तट से इसका परीक्षण किया। यह नवीनतम लॉन्च सितंबर 2021 में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण है। वानसोंग 8 मिसाइल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक था। वानसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल को एक रणनीतिक हथियार करार दिया गया है जो इस देश को अपनी रक्षा क्षमताओं को 1000 गुना बढ़ाने में मदद
करेगा। भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, MSD फार्मास्यूटिकल इंडिया। भारत में पहली जेंडर न्यूट्रल HPV वैक्सीन लॉन्च हो गई है और इसे लड़के लड़कियों दोनों को दिया जा सकता है। वैक्सीन का नाम गार्डासिल 9 है। यह एकमात्र अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन यानी USFDA द्वारा अनुमोदित HPV वैक्सीन है जो भारत में HPV से संबंधित बीमारियों और कैंसर को कम करने में मदद करेगा। इसे पहली बार 2015 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था। लड़कियों को HPV के संपर्क में आने से पहले इस वैक्सीन को दिया जाए तो सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम किया जा सकता है। HPV पूरी दुनिया में पाए जाने वाला एक सामान्य वायरस है। इसके 100 से ज़्यादा प्रकार होते हैं और इनमें से 14 प्रकार कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को किस शहर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान यानी CPET का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET इन वी सिटी ऑन द 30th September 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर जयपुर में। इसका बिल्डिंग का रंग भी देखिए, पिंक ही है। ये एक आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान है जो समर्पित रूप से पेट्रोकेमिकल्स एवं संबद्ध उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा। पेट्रोकेमिकल विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न होते हैं। भारत में वर्तमान में 23 रिफाइनरियाँ कार्यरत हैं और भारत 2025 तक अपनी शोधन क्षमता को 400 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में यह 250 मिलियन टन के लगभग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके हाल ही की अमेरिकी दौरे के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कितने कलाकृतियों और पुरावशेषों को सौंपा गया है? हाउ मेनी आर्टिफैक्ट्स एंड एंटीक्विटीज हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज रिसेंट US विजिट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 157। इनमें से लगभग 45 पुरावशेष कॉमन एरा यानी CE के पहले के हैं। ये वो कलाकृतियाँ और पुरावशेष हैं जो सालों पहले चोरी, अवैध व्यापार या तस्करी से विदेशों में थी। 157 कलाकृतियों की सूची में 10वीं शताब्दी में बने बलुआ पत्थर में रेवंता का बेस रिलीफ पैनल, 56 टेरा कोटा के टुकड़े, कई कांस्य मूर्तियाँ, 11वीं और 14वीं शताब्दी से संबंधित तांबे की वस्तुएँ, 9.5 सेंटीमीटर लंबा कांस्य नटराज तक की वस्तुओं का एक विविध सेट शामिल है। हाल ही में आयोजित जर्मन संघीय चुनाव 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द रिसेंटली हेल्ड जर्मन फेडरल इलेक्शन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यह देखिए, इसने 25.7% वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर रही है निवर्तमान चांसलर एंजेला मार्केल की पार्टी CSU कंजर्वेटिव गठबंधन पार्टी, जिसे मात्र 24.1% वोट मिले, तो सेकेंड नंबर पे ये आ गई है। द ग्रीन्स पार्टी को तीसरा स्थान मिला है 14.8% वोट के साथ। किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस चुनाव में एंजेला मार्केल की पार्टी CDU की तरफ से आर्मिन लासेत मैदान में थे। वहीं एंजेला मार्केल सरकार के वित्त मंत्री व वाइस चांसलर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ सोल्ज मुख्य विपक्षी के तौर पर मैदान में हैं। एस सेलुगन बथी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाने वाले पहले भाजपा राज्यसभा सांसद बन गए हैं? एस सेलुगन बथी हैज बिकम द फर्स्ट BJP राज्यसभा MP टू बी इलेक्टेड फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी से। यही है। 27 सितंबर को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए वापसी की अंतिम तिथि पर 7 नए सदस्य निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। तो एक तो ये हो गए, अन्य 6 नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं। सर्वानंद सोनेवाल भाजपा असम से, एल मुरुगन भाजपा मध्य प्रदेश से, रजनी पाटिल महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी से, सुष्मिता देव TMC पश्चिम बंगाल, डॉक्टर कनीमोजी DMK तमिलनाडु, और
KRN राजेश कुमार DMK तमिलनाडु से। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने हाल ही में किस मीडिया समूह के साथ विलय की घोषणा की है? जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड मर्जर विद विच मीडिया ग्रुप? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। पुनीत गोयनका इस मर्ज किए गए जील सोनी के प्रबंध निदेशक और CEO बने रहेंगे। इस मर्ज की गई इकाई को भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। विलय के बाद सोनी $1.57 बिलियन का निवेश करेगी और 52.93% नियंत्रण हिस्सेदारी के साथ बहुसंख्यक शेयरधारक होगी। इस बीच जील के शेयरधारकों की हिस्सेदारी रहेगी 47.07, यानी सोनी लीडिंग में रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई है? हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है पूर्णिमा तिवारी। 16वीं वार्षिक UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बैठक का आयोजन पोलैंड सरकार की अध्यक्षता में 6 से 10 दिसंबर तक केटोवाइस में किया जाएगा। इसका विषय रखा गया है इंटरनेट यूनाइटेड। पूर्णिमा इन 30 एम्बेसडर्स में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। पूर्णिमा मूलतः छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। एक और वुमेन न्यूज़ में रही थी, स्नेहा दुबे। ये क्यों न्यूज़ में थी, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। गांधी स्मृति व दर्शन समिति का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the vice chairman of Gandhi Smriti and Darshan Samiti? The right answer is option number C, Vijay Goyal। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का स्थल है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया है। इस सोसाइटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता भी करेंगे। गोयल के साथ समिति में सदस्य के तौर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, दिल्ली के LG अनिल बैजल, दिल्ली के मेयर, MCD आयुक्त, केंद्रीय संस्कृति सचिव इत्यादि शामिल होंगे। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह। शेख अहमद अल फहद अल सबाह को जिनेवा की अदालत में जालसाजी करने का दोषी पाए जाने के बाद पद से हटना पड़ा है। 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज एवं भारत के अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह, पुराना नाम इनका, इस समय OCA के मानद आजीवन उपाध्यक्ष हैं। रणधीर 1991 से 2015 तक 24 साल तक OCA के महासचिव भी रह चुके हैं। रणधीर 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य होती हैं। न्यू साउथ वेल्स NSW के सर्वोच्च न्यायालय में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू सर्व एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू साउथ वेल्स NSW? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है हेमंत धनजी। सिडनी बरिस्टर हेमंत धनजी को साल 1990 में एक लीगल प्रैक्टिशनर के तौर पर भर्ती कराया गया था और इसके पास 3 दशकों से ज़्यादा का कानूनी अनुभव है। एक और महत्वपूर्ण खबर देखिए, सिडनी बरिस्टर प्रदीप सिंह तिवाना काउंटी कोर्ट ऑफ विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो प्रदीप सिंह तिवाना भी न्यूज़ में हैं। 27 सितंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक शक्तिशाली सैटेलाइट लैंडसेट 9 को लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ पावरफुल सैटेलाइट लैंडसेट 9 ऑन 27 सितंबर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने कैलिफोर्निया के स्पेस फोर्स बेस से Atlas V रॉकेट से यह लॉन्चिंग की। नासा का नया लैंडसेट 9 उपग्रह अपने साथी लैंडसेट 8 के साथ हर 8 दिन में पूरी पृथ्वी की तस्वीरें लेकर हमारे ग्रह की सेहत पर निगरानी रखेगा। कई देशों को अपनी कृषि संसाधनों यानी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के बेहतर उपयोग करने में यह काफ़ी सहयोगी साबित होगा। इसके साथ में 4 छोटे सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग की गई है। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है।
इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को 16 घंटे में एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा ताकि आप अन्य पोर्शन जैसे स्टैटिक पर ध्यान दे सकें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण की शुरुआत की। द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड द 15th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का 14वां संस्करण 2019 में नेपाल के सालझंडी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का लक्ष्य है दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना, आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, दोनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता और विशेषज्ञता स्थापित करना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।